दोस्तों, कहा जाता है अगर हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। यूँ तो आपने भगवान शिव की कई सारी कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 16 जून 1986 को उत्तराखंड के हरिद्वार में घटी थी। ये कहानी शुरू होती है संजय नाम के एक आदमी से जो कि पेशे से एक व्यापारी था। उसके पास काफ़ी धन दौलत था लेकिन वह काफ़ी घमंडी था। वह पैसे की आड़ में इतना अंधा हो गया था कि वह कभी भी अपनों से बड़ों का इज्जत नहीं किया करता था। उसके इस व्यवहार के कारण उसके माता पिता उसे काफ़ी समझाते थे कि बेटा, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था, हमारे पास पैसा है तो हम इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। पर एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दरअसल एक बार की बात है, उसका बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट तो कर लिया लेकिन उसका कहना था, यह बीमारी बेहद ही खतरनाक है और इसके लिए तुम्हें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर संजय ने कहा कि आप पैसे का फिक्र मत कीजिए, आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए, इस इलाज में जितने भी खर्च लगेंगे हम देने को तैयार हैं। इसके बाद उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज शुरू किया। इधर संजय भी जितने पैसे उसके इलाज में लग रहा था उसे समय समय पर जमा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। अब इधर संजय भी इसके बाद काफ़ी निराश और परेशान होता जा रहा था क्योंकि उसका इस इलाज में इतना अधिक खर्च हो गया था कि अब उसके पास अब आगे अपने बच्चे का इलाज करने के लिए पैसे थे ही नहीं। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वह अब अपने बच्चों को खो देगा, जिसके बाद वह काफ़ी दुखी हो गया और हॉस्पिटल के समीप एक मंदिर थी जहां बैठकर वह रोने लगा। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ की थी। तभी उस मंदिर के पुजारी ने उसे रोते हुए देख लिया और उसे अपने पास बुलाया और उसके रोने का कारण पूछा। तब संजय ने रोते हुए यह घटना पुजारी को बता दिया। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कहा कि यह मंदिर महाकाल की है जो देवों के देव है और जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है उनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुजारी ने संजय को बताया कि बेटा, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और महादेव की सच्ची मन से आराधना करो, उसके पश्चात जरूर तुम्हारे साथ एक चमत्कार होगा और तुम्हारा बेटा पुनः स्वस्थ हो जाएगा। पुजारी की बात सुनकर संजय अपने घर चला जाता है और वह वहाँ जाकर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना शुरू करता है। वह अब नित्य दिन बिना कुछ खाए पिए बस भगवान शिव का नाम जपता रहता था। ऐसा करते उसे अब 10 दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसका बेटा अब पूर्ण रूप से ठीक होने लगा है, जिसके बाद वह बहुत खुश होता है और वह उसके बाद फिर से उसी भगवान शिव के मंदिर में जाता है और उनके सामने माथा टेक कर रोने लगता है और उनका धन्यवाद करता है। और फिर वह हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे से मिलता है और उसे अपने घर ले आता है और उस दिन के बाद से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है क्योंकि इस घटना ने उसे जीवन का असली महत्व समझा दिया था, जिसके बाद वह अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना और बड़े बुजुर्गों के साथ गुजारने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जब कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति में हो और वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करे तो भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर उसकी मदद करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं या फिर अगर आपको उनकी भक्ति पर विश्वास है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।